जीराबाद नगर में पुलिस द्वारा आज वाहनों का चेकिंग अभियान चलाकर अनियमितताएं पाए जाने पर वाहन चालकों के बनाए चालान, बाइक पर तीन सवारी, लाइसेंस न रखने सहित नंबर प्लेट में गड़बड़ी के मामलों में लोगों से वसूला अर्थदंड, समझाइश भी दी। रिंगनौद के मां बागेश्वरी मित्र मंडल द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार टांडा घाट के भैरव मंदिर से निकाली भव्य चुनरी यात्रा, बड़ी संख्या में महिला पुरुषों बच्चों ने 30 किलोमीटर का सफर तय कर बागेश्वरी माता को चढ़ाई 51 फीट चुनरी। ज्योतिष पुरुषोत्तम भारद्वाज के साथ भक्तों ने देश में अमन चैन की कामना की। नवरात्रि के पावन अवसर पर धार के प्रसिद्ध धारेश्वर मंदिर स्थित माता त्रिपुरा सुंदरी को भक्तों ने चढ़ाया 56 भोग का प्रसाद। प्रतिदिन माता मंदिर के सम्मुख माता आराधना में हो रहे आकर्षक गरबा, उमड़ रहे श्रद्धालु। पीथमपुर की आइसर फैक्ट्री से निकला वाहन का चेचिस सादलपुर क्षेत्र के लोगों के लिए बना काल। फोर लेन पर राहगीरों को रोनते सड़क क्रॉस कर जा घुसा खेत में, एक की मौत, महिला सहित दो गंभीर घायल। धार में हिंदू मुस्लिम आस्था का प्रतीक बाबा बंदी छोड़ के जन्मोत्सव उपलक्ष्य में आयोजित विश्व कल्याण लोकहित महायज्ञ में प्रतिदिन बढ़ चढ़कर भाग ले रहे श्रद्धालु। मान्यता अनुसार बाबा बंदी छोड़ ने 900 जोड़ों को कराया था कैद से मुक्त। नवरात्रि पर्व पर रिंगनौद में आयोजित शक्ति अंबिका गरबा मंडल द्वारा धार्मिक आयोजन में विजडम एकेडमी तथा ज्योति विद्यापीठ स्कूल के बच्चों ने आकर्षक डांडिया रास और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति से भक्तों को किया मंत्रमुग्ध। बड़ी संख्या में प्रतिदिन हो रहे माता आराधना के आयोजन। धार के नौगांव स्थित हनुमान चौक में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी नवरात्रि में माता आराधना का पर्व भव्यता के साथ मनाया जा रहा। माता बहनों के साथ छोटे छोटे बच्चे भी गरबा नृत्य कर भक्ति में लीन। देर रात तक आयोजन में श्रद्धालु ले रहे भाग। धार के रघुनाथपुरा में घर के अलमारी में रखे 3 लाख के सोने के आभूषण चोरी के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए आभूषण किए जब्त। बुआ का लड़का ही निकला चोर। परिजनों ने भरोसे पर दी थी घर की कई बार चाबी। धार के समीप इंदौर अहमदाबाद फोरलेन पर पलटा डीजल से भरा टैंकर, बहते डीजल लूटने की लगी लोगों में होड़। केन व बर्तनों में भरकर ले गए डीजल, छोटे वाहन में टंकियां लेकर डीजल भरने पहुंचे, पुलिस दिखी बेअसर। फोरलेन पर यातायात भी हुआ प्रभावित, गुजरात से बिहार जा रहा था डीजल भरा टैंकर। आदिवासी न्याय यात्रा लेकर भोपाल पहुंचे पाचीलाल मेड़ा को पुलिस प्रशासन ने रोका, खूब हुआ हंगामा। फिर फटे कपड़ों में विधायक पाचीलाल मेड़ा आए नजर। जिला कांग्रेस अध्यक्ष गौतम बोले, अन्याय के खिलाफ नहीं रुकेंगे। कुक्षी के कचहरी चौक में निर्माणाधीन मकान की खुदाई के दौरान पास मौजूद पुराने मकान की दीवार गिरने से 4 मजदूरों की दबने से हुई मौत। क्षेत्र में पसरा मातम, क्षेत्रीय प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू अभियान, बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। सादलपुर क्षेत्र में सोयाबीन फसल कटाई का काम जोरों पर, वहीं हो रही बार बार बारिश से किसानों की बड़ी चिंता। काम रुकने से बढ़ रही मजदूरों की लागत, आर्थिक नुकसान के चलते किसानों को सताने लगा है फसलें खराब होने का डर। रिंगनौद में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने लिया भाग। कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन के पहुंचने पर ग्रामीणों ने बताई समस्या। कलेक्टर ने निरीक्षण कर संबंधित विभागों को दिए तुरंत निदान करने के लिए निर्देश।